हाय जयमाता दी, मनीषा लामा, मेरे पास क्लाइंट आए हैं, हम इनकी रिफिलिंग करने जा रहे हैं। कितने टाइम के बाद आपकी रिफिलिंग हो रही है? 3 महीने में आप रिफिल करा रहे, आपका फेस नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, हसी ना मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के तुझे मुझसे प्यार हो जाना चाहिए, मैं तेरे को अभी हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, मुझे कोई हिप्नोटाइज करना सिखा दो जिसको आती हो टेक्निक, फिर मैं अपने प्यार में तुझे फांस लूंगी। बस तू फंसी रहा है मेरे प्यार में, मुझे आता अंदर से मेरी जान। आपको नहीं ये बाल रखे, आपको रखते वक्त कोई दिक्कत आई हो? संभालते वक्त तू नॉर्मली वो, जब हमारा वेदर बदलता है ना, हमारी बॉडी है, जब भी हमारी बॉडी में सीजन बदलेगा, मौसम बढ़ेगा बदलेगा, हमारे हार्मोन्स बदलेंगे, तो हमारे बाल भी चेंज होते रहेंगे, वो विच इज नॉर्मल थिंग, नथिंग। नहीं, जो नॉर्मल है ये भी बाल है, थोड़ी बहुत शेडिंग हो सकती है। मैं अभी आपको उसको अच्छा शैम्पू कंडीशनर से मेंटेन करना, कंडीशनर अच्छे से लगाना, सिरम अच्छे से लगाना, टैंगल ब्रश अच्छे से करने का, ठीक है? हल्की फुल्की शेडिंग है। जब भी आप कोई शर्ट लेते हो, शर्ट में अच्छा डिटर्जेंट यूज करोगे, अच्छे से प्रेस करके रखोगे, तभी आप उसको मेंटेन करो। अगर आप उसको अच्छे से नहीं मेंटेन करोगे तो वो भी बाल ही बाल है ना, शेड हो जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं शेड होंगे, बट शैम्पू भी लगाओ, कंडीशनर भी लगाओ, सिरम भी लगाओ, फॉर्म भी करो। और मेरी जान, रखते वक्त कोई तकलीफ आ रही हो? कई लोगों को ये लगता है कि एक्सटेंशन रखते हुए बहुत हार्ड एंड फास्ट होता है, है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, रिफिलिंग के टाइम पे स्टाफ से कोई गलती नहीं हो, आपका बाल तोड़ा गया हो, तभी तो रिफिलिंग का प्रोसेस बिल्कुल मेंटेन करो। आप अपने आप खुद ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनो, कई लोग खुद ही कर लेते हैं। हाँ, मैंने तो देखा कई लोग ऐसे खुद कर लेते हैं, फिर किसी अनट्रेंड से कराते हैं, फिर जिससे कराओ जिससे करनी हो उसकी भरनी होती है। बट जनरली अगर आप ट्रेन थेरेपिस्ट से कराओगे, अभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेंटेन करने में। जैसे दीदी को भी लगा कि मैं नॉर्मली है, एक शैम्पू कंडीशनर सिरम और कॉम करना ज़रूरी है अपने बालों को। ये असली वाले बाल जैसे मेंटेन करना होता है, ऐसे मैं कहूँ कि कंघी ही मत करो, मैं कहूँ कि कंडीशनर करने की जरूरत नहीं, ये सब झूठ है। बट आइनिंग वाइनिंग, अगर आपको स्ट्रेट पसंद है तो स्ट्रेट बाल लगवाओ, अगर आपको वेवी पसंद है तो वेवी लगवाओ, वो आपकी पसंद होता है ना। ये दीदी के लाइट बाल हैं और इनमें हम एक्सटेंशन की रिफिलिंग करने जा रहे हैं। रिफिलिंग प्रोसेस है, जब भी आप एक्सटेंशन लगाते हो परमानेंट, का ये मतलब नहीं है कि उम्र भर वो बाल हिलेगा ही नहीं, वो आपकी जड़ों के अंदर हो गया, आपकी जड़ों में भी जो बाल होगा वो भी नीचे आएगा। परमानेंट का मतलब है जहाँ हमने लगा दिया वहाँ फिक्स हो गया, ग्रोथ के साथ 1 इंच नीचे आएगा। 1 इंच की ग्रोथ 2.5 से 5 महीने में वेरी करती है, जैसे दीदी की 3 महीने में आई है, किसी की 2.5 में आती है, कोई को 10-10 महीने में आता है, 1 इंच की ग्रोथ सबकी वेरी करती है, तो उस वेरिएशन पे आप वर्कआउट करो। अभी हम इन पे रिफिलिंग कर रहे हैं, ये अभी सिचुएशन, आफ्टर सिचुएशन थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं। जय माता दी। सो ये आफ्टर रिजल्ट है, हमने रिफिलिंग कर दी है।